बनारस आने के लिए आप किसी भी साधन का प्रयोग कर सकते हैं, चाहे बस हो, एयरप्लेन हो या फिर ट्रेन हो। बनारस के रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट देश के सभी प्रमुख स्थानों से जुड़े हुए हैं। तो बनारस के पहले दिन के सफ़र में हमने अपनी शुरुआत सारनाथ से की। सारनाथ बनारस के कैंट स्टेशन से लगभग 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पे है और यहाँ से आपको काफ़ी आसानी से पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल हो जाएंगे। अगर आप चाहें तो ओला या उबर का भी इस्तेमाल करके सारनाथ तक जा सकते हैं। सारनाथ में आपको गौतम बुद्ध के कई सारे मंदिर देखने को मिलेंगे, साथ ही आर्कियोलॉजिकल पार्क भी देखने को मिलेगा। अशोक स्तंभ आपको सारनाथ में कई जगहों पे देखने को मिलेंगे और हर मंदिर की खासियत यह है कि उसके आसपास काफ़ी अच्छी हरियाली और पार्क बने हुए हैं। सारनाथ में आपको खाने की चीज़ें तो कम, लेकिन ऐसे डेकोरेटिव पीस बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे देखने को, जिसमें ज़्यादातर चीज़ें जो हैं वो गौतम बुद्ध से रिलेटेड हैं। यहाँ पे एक म्यूज़ियम भी है और एक आर्कियोलॉजिकल पार्क भी है, जिसके लिए आपको टिकट खरीदना पड़ता है। म्यूज़ियम का चार्ज 5 रुपये है और आर्कियोलॉजिकल पार्क का चार्ज 20 रुपये है, लेकिन आप चाहें तो दोनों को कंबाइंड में खरीद सकते हैं। म्यूज़ियम के नज़ारे मैं आपको नहीं दिखा सकता क्योंकि यहाँ पर कैमरा अलाउ नहीं था और ये बनारस के सारनाथ का आर्कियोलॉजिकल पार्क है। यहाँ पर कई सारी पुरानी पुरानी चीज़ें आपको संरक्षित रूप से रखी हुई मिल जाएंगी। सारनाथ का सफ़र हमारा यहीं तक था और हम वापस चलते हैं, क्योंकि सारनाथ अपने आप में बहुत बड़ा है और इसे घूमने के लिए आपको काफ़ी अच्छा खासा टाइम लग जाएगा। और अगर इस धूप से आप परेशान हो तो बनारस में आईपी मॉल, जेएचवी मॉल, पीडीआर मॉल जैसे कई सारे मॉल हैं जहाँ पे आप शॉपिंग और फूड का आनंद ले सकते हैं, साथ में लेटेस्ट मूवीज़ को भी इंजॉय कर सकते हैं। शाम हो चुकी है और अब हम डिनर करने के लिए आते हैं बनारस के ही एक बहुत ही फेमस बाटी चोखा रेस्टोरेंट में। ये है बाटी चोखा रेस्टोरेंट। यहाँ पे आपको एकदम हाथ से बनी हुई चीज़ें जैसे कि कूटी हुई दाल, सरसों के तेल और कंडे पे लगी हुई लिट्टी बाटी सब कुछ देखने को मिल जाएगा। यहाँ का एनवायरनमेंट भी एकदम बिल्कुल देसी है और खाना भी आपको कुल्हड़ और पत्ते में ही परोसा जाता है। यहाँ पे हमने लिया था स्टार्टर में 1 प्लेट फरा। अगर आप इसके अलावा चाहें तो आप पनीर पकौड़ा या और कुछ भी ऑर्डर कर सकते हैं। और मेन कोर्स में हमने लिया बाटी चोखा, जिसके साथ मिर्च का अचार, प्याज, हरी चटनी और एक टमाटर की चटनी मिली थी। बाटी चोखा की थाली में हमें मिलती है हांडी में पकी हुई दाल, 1 प्लेट चोखा और 2 बाटी, जिसमें एक सत्तू की भरी हुई बाटी होती है और एक पनीर की भरी हुई बाटी होती है। उसके बाद अगले दिन की शुरुआत हमने की दशाश्वमेध घाट से। दशाश्वमेध घाट घूमने के बाद हम पहुंचते हैं बनारस के बहुत ही फेमस जगह पे, जो है काशी चाट भंडार। ये बनारस में इतने फेमस हैं कि बड़े बड़े सेलिब्रिटी भी आके यहाँ पे चाट खाते हैं। यहाँ पे हमने लिया पानीपुरी, 1 दही बड़ा, पापड़ी चाट और 1 टमाटर चाट, जो कि यहाँ का सबसे ज़्यादा फेमस है। यह है पापड़ी चाट, जिसमें कई तरीके की चटनी और दही डाल करके पापड़ी के साथ सर्व करते हैं। और यह है दही बड़ा, जो कि खाने में बहुत सॉफ्ट था और खाने में मीठा और हल्के से खटास के साथ था। और यह है यहाँ का टमाटर चाट, जिसमें आप देख सकते हैं ऊपर देशी घी का शोरबा पड़ा हुआ है, जो कि खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी रहता है। के बाद हम आते हैं 80 घाट पे। अगर आप 80 घाट आ रहे हैं तो यहाँ पे आके नींबू की चाय पीना मत भूलिएगा। ये कुछ स्पेशल मसालों के साथ इतनी बढ़िया नींबू की चाय देते हैं कि शायद ही आपको ऐसी चाय कहीं और मिले। शाम होते ही हम फिर जाते हैं दशाश्वमेध घाट की तरफ और वहाँ पे गंगा आरती का आनंद लेते हैं। और रात का डिनर करने के लिए बनारस के एक बहुत ही फेमस रेस्टोरेंट केरला कैफ़े में जाते हैं। ये एक बहुत ही पुराना रेस्टोरेंट है, कुछ साउथ इंडियंस के द्वारा इसे स्टार्ट किया गया था, जहाँ पे बहुत ही कम रेट में बहुत ही टेस्टी साउथ इंडियन खाना आपको मिल जाएगा।
यहाँ पे हमने एक डोसा लिया था जो कि बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और बहुत टेस्टी था। इसके साथ नारियल की चटनी थी और सांभर था जो भी काफ़ी अच्छा था। उसके साथ ही हमने एक फ्राई इडली ली थी। यहाँ की फ्राई इडली की खासियत ये है कि ये इडली को फ्राई नहीं करते बल्कि सांभर को ही पूरा फ्राई करते हैं, जो कि खाने में बहुत अच्छा लगता है स्पेशल मसालों के साथ। और उसी के साथ हमने लिया था एक वेजिटेबल पुलाव, जिसके साथ इन्होंने एक दिया वेजिटेबल रायता। ये दोनों का कॉम्बिनेशन भी खाने में काफ़ी टेस्टी था। इन सब को खाने में हमारा जो बिल बैठा था वो लगभग 200 रुपए के लगभग आया था। बनारस के बारे में एक चीज़ खास बात और है कि कोलकाता के बाद सबसे अच्छी दुर्गा पूजा बनारस में होती है, तो अगर आप उससे रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं तो उसके लिए हमें कमेंट करके बताइए ताकि हम बनारस जाके उसे कवर अप कर सकें। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ये नई वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आप कुछ और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो उसके बारे में भी हमें बताइएगा।